नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंशानुसार आज जनपद इटावा के ताखा सुतियानी डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिवपाल सिंह यादव ने शिरकत की, जिसमें सुतियानी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले लगभग 464 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ प्राप्त हुआ। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले यह ऐलान किया गया था कि अगर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तो होनहार बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किए जाएंगे। आज सुतियानी डिग्री कॉलेज में शिवपाल सिंह यादव विधायक जसवंत नगर इटावा ने बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किए गए, जिसमें लगभग 464 बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किए गए। कॉलेज पढ़ने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमएससी फाइनल के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किए गए। उस रहा से गौरव शाके की रिपोर्ट। हमारे बच्चों का जीवन सफल हो सकता है, बच्चों हमारे बच्चों का जीवन सफल होगा तो उनके सरकार के माता पिता भी बहुत खुश हो और फिर तरक्की भी हो। हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसे तो हमारे जो भी लेक्चरर हैं आप बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टफोन का टैबलेट का सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग करना जरूरी है और सदुपयोग करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो आप तरक्की करेंगे। तो हम तो चाहेंगे सभी विद्यार्थियों, हमारी वैसे तो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी सबको बहुत अच्छी आना चाहिए और हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी जानकारी होना चाहिए। अब अंग्रेजी का जानना तो बहुत जरूरी हो गया, स्मार्टफोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में अगर अंग्रेजी आपको आती है तो बहुत सी ऐसे स्मार्टफोन से, टैबलेट से और लैपटॉप से बहुत सी जानकारियाँ इसकी मिल सकती है। और जहाँ तक अगर हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं का अगर ज्ञान हो जाएगा तो अपने जीवन में आप सफलता जरूर प्राप्त कर सकते, हमारे बच्चों का जीवन सफल हो सकता है। जीवन सफल होगा तो उनके परिवार के माता पिता भी बहुत खुश हो और फिर तरक्की भी हो। हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसे तो हमारे जो भी लेक्चरर हैं आप बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टफोन का टैबलेट का सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग करना जरूरी है और सदुपयोग करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो आप तरक्की करेंगे। तो हम तो चाहेंगे सभी विद्यार्थियों, हमारी वैसे तो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी सबको बहुत अच्छी आना चाहिए और हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी जानकारी होना चाहिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।